तो अब हम एक जो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चलने वाले हैं वो है रिलेशनशिप्स। कितने लोग अपने रिलेशनशिप से परेशान हैं, खुश हैं, कौन कौन से रिलेशनशिप्स आप इरिटेट होते हैं, एंग्री होते हैं, तो रिलेशनशिप्स की बातें करते हैं क्योंकि रिलेशनशिप्स पूरा जीवन क्या है। रिलेशनशिप्स, आप पहले बच्चे होते हैं, माता पिता के साथ एक रिलेशनशिप होता है, फिर आप बड़े होते हैं, दोस्त रिश्तेदार होते हैं आपके, शादी होती है, बच्चे, तो सब लोग आसपास पूरा हम, क्योंकि इंसान सामाजिक प्राणी है, तो रिलेशनशिप में भी हमें कई बार इश्यूज होती हैं। किसको इश्यूज नहीं होती हैं रिलेशनशिप में? कोई इशू नहीं होती आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी से भी? किसी से भी नहीं होती है? होती है ना मैम। होती है ना, तो आपके हाथ होने के लिए ना रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। नहीं मैम, नहीं होती है मेरे नहीं तो होती किसी के साथ नहीं आज तक। आपको, आपको लोगों के साथ गुस्सा नहीं, प्रॉब्लम का मतलब बिल्कुल आपको गुस्सा, हाँ इरिटेशन, हाँ वो एंगर, आता है, रिजेंटमेंट, कभी भी नहीं तो होता है। नहीं वो आपको आता गुस्सा है नहीं आता, आपको गुस्सा नहीं नहीं आता लोगों पर नहीं मैम कभी भी? लोगों पे गुस्सा नहीं आता, एंगर नहीं होता, रिजेंटमेंट नहीं नहीं होती? नहीं कभी कोई कोई कुछ बोलेगा तो मैं समझती हूँ चलो उसको अभी ऐसा लगता है, बाद में उसको होगा ऐसा फील कि शायद उसने गलत किया है, ठीक है लेकिन होने दो चल रहे, ऐसा लगता ज्यादातर है। लोगों को कुछ ना कुछ, ज्यादातर ह्यूमन बीइंग्स, ज्यादातर क्या 100% ह्यूमन बीइंग्स को वहां पे आज शायद आपको मतलब अवेयरनेस में नहीं होगा कि हमें कई बार क्या होता है ये काम हो हमें, गया ना, पर उस मांगे ना हो गए कुछ ये आप क्षण साइलेंस के लिए होता है मैम, म्यूट। हाँ जी आपकी कुछ आवाज, क्षण के लिए होता है, कुछ टाइम के, एक पीरियड के लिए, थोड़े थोड़े टाइम के लिए ऐसा होता है, फिर वापस नॉर्मल हो जाता है ऐसा। कैलाश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि सारा रिलेशनशिप जो है ये फेथ पर टिका हुआ, फेथ होना चाहिए हमें, जिससे भी हमारी रिलेशनशिप है, चाहे घर में बच्चों से, बच्चों पर फेथ रखना है, वाइफ से है उसमें फेथ रखना है, सबसे बिल्कुल बड़ी चीज है फेथ। और नंबर दो पर फिर आ जाता है कि भाई आप समता का भाव रखिए, मतलब समता में ये नहीं कि भाई कभी आपको क्रोध भी आया तो आप क्रोध में दोबारा क्रोध बना ही रहेगा, वो थोड़ी देर बाद फिर आप उस क्रोध को जब कूल डाउन हो जाए तो उस मैटर को सुलझाने की भी कोशिश करें, ये नहीं कि वो क्रोध बना ही रहे। कई बार घर में हो जाता है सरकमस्टेंस, मान ली बच्चे के नंबर कम आ गए तो आपको क्रोध आ गया, या वाइफ ने मतलब कुछ ऐसा काम कर दिया जो आपका क्रोध आ गया। कैलाश जी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से शेयर करिए कि कहाँ पे आपने ये अचीव करा है, तो लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो वो एक तरह से लेक्चर टाइप का हो जाता है कि कहाँ पे आपने ये प्रैक्टिस करा, वो शेयर करिए कि भाई आपको गुस्सा आया, आप वहाँ पे क्रोधित हुए, फिर आपने अपने क्रोध को शांत करा और वाइफ के साथ रिलेशनशिप अच्छा हुआ, तो इस तरह से शेयर करेंगे तो लोगों को कभी ज्यादा बोले देखिए प्रैक्टिकली पैसे, दिखाई देगा। मुझे फाइनेंशियल मैटर में आया, पैसे मांगे, वाइफ ने डिमांड करी कि भाई आज मुझे 3,000 रुपीज या 5,000 रुपीज किसी पर्पस के लिए चाहिए, अब मेरे पास है नहीं, उन्होंने जी प्रेशर बनाया तो थोड़ा ओके मुझे क्रोध भी आया उस बात के लिए कि भाई मैं आपको आज नहीं दे पाऊंगा, 10 दिन बाद लेना या 5 दिन बाद लेना, तो जैसे हमारे में 1 या 2 दिन तक मन मुटाव भी रहा, लेकिन बाद में फिर कूल डाउन, फिर मतलब चाहे वो हो या ना हो मैं फिर अपने को कूल डाउन मैंने कर लिया और फिर समझा कर और सेटलमेंट कर लिया और वो मना लिया, तो अगर मैं उस बात को पकड़ के बैठ जाता मैं भी उसी पर हावी हो जाता तो शायद वो रिलेशन मतलब शिप पता नहीं और कहां तक ले जाती। तो ऐसी छोटी छोटी बातें कहीं की कहीं ले जाती हैं, कई बार बिल्कुल वहां एक को मतलब संभलना पड़ता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। राइट। तो मैं रिलेशनशिप की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा वहाँ पे हमारी लाइफ के चैलेंजेस रहते हैं, लाइफ की प्रॉब्लम्स, और वहाँ पे बीमारियाँ हम आकर्षित करते हैं। जब हमारे अंदर रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट समझते हो, बहुत ज्यादा खुंदक जिसे कहते हैं अंदर से, कि उसने मेरे साथ ऐसा करा, उसने मेरे साथ, मेरी सास ने मेरे साथ बुरा करा, मेरी सास बहुत बुरी है, या मेरे पति बहुत बुरा है, उसने बहुत मारा, और ये इन थॉट्स में आप लगातार रहते हैं,
रिजेंटमेंट में अंदर उबलते रहते हैं उबलते रहते हैं। तो रिजेंटमेंट जो इमोशनल, हर बीमारी का एक इमोशनल कारण भी होता है, तो रिजेंटमेंट कैंसर का रूप ले लेती है। आपको पता है कि रिजेंटमेंट क्रिएट्स कैंसर। हम लोग अनजाने में बहुत ज़्यादा क्रोधित या अंदर से बड़बड़ाते रहते हैं, मतलब उसको बोल नहीं पाए। जैसे एक बहू है, शादी करके नए पे घर गई, तो सास को या उन लोगों के आगे, क्योंकि वो अकेली होती है, डरती है, तो बोल नहीं पाती और अपने अंदर रिजेंटमेंट हो रही है कि सास बोलती है खाना बना या ये कर वो कर, या बहुत सारे गेस्ट आ गए, तो बहू के अंदर एक रिजेंटमेंट आने लगती है। मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो रिजेंटमेंट आपको अपने पेरेंट्स से भी आ सकती है कि भाई फादर बहुत डोमिनेट करते थे, बार बार कुछ कुछ बोलते थे, तो वो क्योंकि एज ए चाइल्ड आप जो है आपको सुनना पड़ता है बड़ों की बात, और यही एज ए बहू भी शायद कई बार सुनना पड़ता है, या एज ए बेटी सुनना पड़ता है, या एज ए सन सुनना पड़ता है। एज ए सन कई बार बेटों को भी पेरेंट्स बहुत डोमिनेट करते हैं, मतलब उन्हें लगता है डोमिनेट कर रहे हैं फादर, तो वो सप्रेशन फील करते हैं, और वो सप्रेशन धीरे धीरे जब रिजेंटमेंट में बदल जाता है तो इट कैन ग्रो इंटू कैंसर। तो कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो रिजेंटमेंट एंड एंगर होता है अंदर अंदर अंदर। जैसे कई सिस्टर इन लॉ है, जैसे नंद भाभी हैं, तो उनको लगता है मेरी सास ने और मेरी ननद ने बहुत ज़्यादा मेरे को डोमिनेट करा, जिंदगी भर मेरे से मतलब अपनी अपनी चलाते रहे हैं, मेरा तो कोई अपना मेरा वजूद ही नहीं है। तो रिजेंटमेंट चल रही है अंदर अंदर, ये थाट्स जो है रिजेंटमेंट की चल रही हैं, और ये थॉट्स हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है हम तो बड़े फॉरगिविंग हैं, हम तो माइंड नहीं करते, बट अंदर अंदर वो इकट्ठा हो रहा है, वो कचरा जो है सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठा होता चला जाता है, अचेतन मन जिसे कहते हैं। तो और वो कभी ना कभी फूट के वो कैंसर का कारण बन जाता है, क्योंकि हमने अपने उन इमोशंस को, उन एंगर को एक्सप्रेस तो करा नहीं, तो कहीं ना कहीं एंगर का कारण बन जाता है। तो आप लोग सब होमवर्क करोगे अपनी। हाँ जी स्मिता जी। मैम मेरा सिस्टर ही लोग के साथ बिगड़ गया था रिलेशन, मतलब वो बहुत गुस्से वाली है, वो और उनके हस्बैंड बहुत गुस्से वाले हैं। आपकी सिस्टर इन लॉ या सिस्टर? सिस्टर इन लॉ। हाँ हाँ तो मैंने 6 साल फॉरगिवनेस की मैंने, सुबह रोज एक ही टाइम पर मैं करती थी। हाँ। मैं उनको माफ कर देती थी, शायद मेरे से मतलब गए जन्म में कोई भूल हो गई है कर्मास, तो मैं माफ कर देती थी। तो उनका सामने से फोन आया 6 साल के बाद, मुझे किसी के साथ दुखा नहीं था, भले मेरे फॉल्ट नहीं था, लेकिन मुझे बिगड़ना नहीं था किसी के साथ। तो 6 साल बाद क्या हुआ? उनका सामने से फोन आया हाँ बुलाने के लिए, फिर हम भी तुरंत गए। रिलेशनशिप ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गए, आपकी फॉरगिवनेस करने से। मैं रोज एक ही टाइम पर करती थी। वेरी गुड। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? लिखना है कि कौन कौन सा रिलेशनशिप है जिसमें आप गुस्सा हैं। देखो ये ऑथेंटिक होना पड़ेगा, इसके लिए ना आपको अपने आप से सच बोलना पड़ेगा, ये कहने से नहीं मैं तो सबको माफ कर देती हूँ, मैं तो मन में रखती नहीं हूँ, ये झूठ है। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हैं, तो हम सबके अंदर कुछ ना कुछ किसी ना किसी के लिए गुस्सा या कुछ ना कुछ एंगर है कहीं ना कहीं, तो उसको निकाल दोगे तो अच्छा है। और अपने से झूठ बोलोगे नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो किसी से गुस्सा नहीं करती हूँ या गुस्सा नहीं करता हूँ, तो वो एक बहुत बड़ा झूठ होगा। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो गुस्सा आता ही है, और हम लोग के अंदर है सब कॉन्शियस माइंड में क्रोध, ईश्वर ने दिए है ना ये हमें गुण या अवगुण जो भी कहिए, क्रोध इसलिए दिया है कि कोई आपको सप्रेस ना कर सके। कोई जानवर को आप मारते हो तो जानवर भी चिल्लाता है ना, वो अपने को प्रोटेक्ट करेगा, तो क्रोध आपको प्रोटेक्ट भी करता है, तो ईश्वर ने दिया है ये हमें। तो आप किस किस से लिखिएगा, किस रिलेशन, कौन सा रिलेशनशिप है, हस्बैंड है, वाइफ है, मदर इन लॉ है, मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है। मेरे पास एक लड़की का फोन आया, वो उसकी मदर जो है मेंटली इल थी और फादर जो है उन्होंने डिवोर्स कर दिया था उस मदर को, वो अकेली उसकी नानी ने पाला है। शी वॉज वेरी सिक, उसके डॉक्टरों ने सब कुछ उसके टेस्ट कर दिए, कोई बीमारी नहीं आती, वो बेड से उठ ही नहीं पा रही थी, और उसको खुद समझ में भी आ रहा था ये इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं उसकी, और उसके हाथ पाँव में दर्द, और 20-22 साल की उम्र में, क्योंकि उसको था कि कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, और अंदर बहुत एंगर था फादर के लिए कि उन्होंने छोड़ दिया मुझे, दूसरी शादी कर ली उन्होंने,
तो अंदर उसके इतना एंगर भरा हुआ था अपने फादर के लिए, और वो और अनजाने में हम बीमारी भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एट द एज ऑफ 22 उसने बीमारी अट्रैक्ट कर ली, और ये बीमारी ये थी कि मेरे फादर मुझे देखें, मुझे उनका प्यार कैसे मिले। तो वो रोज पापा को फोन करती है कि भैया आप आओ मुझे देखो, मैं अकेली हूँ, मैं बीमार हूँ, तुम आते क्यों नहीं हो। और फादर को जॉब करते हैं, वो नहीं आ सकते, वो कहते तू यहाँ पे आ जा और हम तेरी देखभाल कर लेंगे। बट वो फुल ऑफ एंगर है, फुल ऑफ एंगर, नॉट रेडी टू फॉरगिव, क्योंकि उसके मन में भरा हुआ है कि माँ बाप ने, मतलब मेरे को अच्छे माँ बाप नहीं मिले मेरा कुछ, जबकि उसको नानी से प्यार मिला है। तो उसका फोकस वहां नहीं है कि नानी से प्यार प्रेम मिला है, उसका फोकस है कि फादर ने प्यार नहीं दिया, फादर ने मम्मी को छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया। और वो इतनी एंग्री थी और इतनी बीमार थी कि वो चल फिर नहीं पा रही है एट द एज ऑफ 22। तो बीमारियां हमारे शरीर में मैनिफेस्ट करती हैं, तो उनको निकाल देने के लिए हमें देखना जरूरी है कि कौन से रिलेशनशिप से हम अपसेट हैं, कौन से रिलेशनशिप से हम परेशान हैं, कौन सा रिलेशनशिप जो है हमें लगता है कि वो तंग कर रहा है, हमें ये व्यक्ति हमें तंग कर रहा है। अभी एक मेरी कल क्लाइंट आई है, वो हर समय परेशान रहती है अपने हस्बैंड से, वो पीता बहुत है, उनका जब भी एक ही है, वो पीकर गालियां देता है और गंदा है, और पिछले 25 साल से ऐसी जिंदगी चल रही है। अब वो पीने तो छोड़ना नहीं है ना उसने, पर इतनी एंगर और रिजेंटमेंट है हस्बैंड के लिए। तो आपके मन में किसके लिए एंगर रिजेंटमेंट है? कि कई बार हमारे मन में रिग्रेट भी होता है कि काश ऐसा हो जाता मेरे जीवन में, काश मैंने प्रॉपर्टी ले ली होती 50 साल पहले तो आज वो करोड़ों की होती। तो कितने लोग ऐसा हर समय सोचते हैं, काश मैंने प्रॉपर्टी खरीदी होती उस जमाने में तो वो आज इतनी बड़ी होती। कितने लोगों के मन में रिग्रेट है? मेरे मन में रिग्रेट है ये कि मैं हमेशा जो खरीद पाई उस समय खरीद लेती तो आज बहुत होता। मैं हाँ। मुझे भी ऐसा फील हो रहा है। तो ये तो पास्ट है ना, तो जो रिग्रेट है उनको भी लिखो कि भाई बहुत चीज, कई चीज होती है बहुत ज्यादा रिग्रेट में भरे हुए हैं। तो रिग्रेट के पीछे खुद के प्रति क्रोध है, कई बार खुद के प्रति क्रोध होता है, मैं बेवकूफ थी, मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा। तो वो लिस्ट बनाओ कि आपको किससे गुस्सा है, किससे रिग्रेट है, और अपने से सच बोलने से काम चलेगा। ये नहीं कि मैं तो किसी से गुस्सा ही नहीं करती, मैं तो देवी हूँ या देवता हूँ, ऐसा नहीं होता ना, हम इंसान हैं। तो सबने लिख लिया अपने रिलेशनशिप्स के बारे में और आप उनसे क्या क्या शिकायतें हैं, वो सब लिखिए। अपने आप से भी लिख सकते हैं, अपने आप से भी हमारा एक रिलेशनशिप होता है, अपने आप से क्या क्या नाराजगी है, किसको अपने आप से नाराजगी है, अपने आप से भी गुस्सा। धर्मेंद्र जी आपको क्या गुस्सा है अपने आप से? मैं भी कहीं जहां मुझे अच्छा परफॉर्म करना चाहिए होता है वहां मैं कर नहीं पाता हूं। ठीक है, बस अब जहां मेरा कोई काम नहीं होता, मेरी कोई जरूरत नहीं होती, वहां पर मेरा परफॉर्मेंस लेवल नंबर 1 होता है। लेकिन जहाँ मुझे एक्चुअल परफॉर्म करना चाहिए होता है, जहाँ मुझे सब खड़ा करते हैं कि तुझे यहाँ जाके ये परफॉर्म करना है, वहाँ मैं फेल हो जाता हूँ। ठीक है, कल बात करेंगे इस पर। तो मेरे को जब अपने फादर से गुस्सा था ना, तो खुद से भी बहुत गुस्सा थी मैं। मेरे को खुद पे था कि मैं परफॉर्म नहीं कर रही हूँ लाइफ में और आई एम अ फेलियर इन लाइफ। तो मैंने अपने आप को एज ए फेलियर माना था क्योंकि मेरे फादर की एक्सपेक्टेशन थी IAS ऑफिसर बने और मैं वो फुलफिल, क्योंकि मेरे को मैथ्स और साइंस ले लिया, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो उनको भी ब्लेम करती थी कि उन्होंने जबरदस्ती साइंस दिला दी, और खुद को भी ब्लेम करती थी कि मैंने क्यों ली। तो आई वॉज इन ए बैड शेप, मतलब जब मैं 16-17 साल की थी उस समय आई वॉज इन टू मेजर डिप्रेशन और मैं बिल्कुल लिथार्जिक होकर पड़ी रहती थी। कॉलेज से आई, थक गई, 4 घंटे सोने के बाद एनर्जी आती थी। मतलब 17 साल का बच्चा जो एनर्जेटिक होना चाहिए वो डिप्रेशन में था, और आज मैं 53 साल की हूँ एंड आई एम फुल ऑफ एनर्जी। 4 बजे 4:30 बजे उठ जाती हूँ, पूरा आराम से 9-9:30 बजे तक फुल ऑफ एनर्जी सोती हूँ। तो इट इज ऑल अबाउट योर थॉट्स एंड इमोशंस एंड फीलिंग्स। मतलब 17 साल में जो एनर्जी होना चाहिए, देखिए एनर्जी जब हम बोलते हैं इमोशन, तो एंगर भी इमोशन है, प्यार भी इमोशन है। तो इमोशन
इमोशन का मतलब है एनर्जी इन मोशन. तो जो भी इमोशंस आप एक्सपीरियंस करते हो, लव, हेट्रेड, एंगर, रिजेंटमेंट, लव, कंपैशन, ब्लिसफुलनेस, हैप्पीनेस, ये सारे इमोशंस हैं, इंसान की मेंटल इमोशनल स्टेट है. तो ये हर इमोशन एक ऊर्जा है, हर इमोशन में एक ऊर्जा है, किसी में नेगेटिव ऊर्जा है, किसी में पॉजिटिव ऊर्जा है. तो जब मैं नेगेटिव सोचती हूँ अपने बारे में, इमोशन है कि भाई मैं अच्छी नहीं हूँ, मैंने लाइफ में कुछ नहीं करा, तो ये एनर्जी आ गई, डिप्रेसिव एनर्जी आ गई और मैं काम, बॉडी मेरी खत्म हो गई. और यही ऊर्जा कि मैं लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करूँ, उनके लिए कंपैशन है, उनके लिए प्यार है, कि मैं लोगों की लाइफ में हेल्थ दूँ उन्हें, मेंटल और इमोशनल मेरी कमिटमेंट है कि मैं लोगों को मेंटल और इमोशनल हेल्थ दूँ. जब ये मेरी कमिटमेंट है और ये मेरी इमोशन है कि हाँ मैं लोगों से प्रेम करूँ, उनको प्रेम, फ्रेंडशिप, कंपैशन दूँ, तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई, वो एंगर और रिजेंटमेंट खत्म हो गया और इमोशन आ गया लव का. तो लव की जो वाइब्रेशन है वो तो बहुत हाई होती है, कंपैशन एंड लव की एनर्जी बहुत हाई है. जब आप बच्चों के साथ होते हो तो कितने लोग एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि आप लव और कंपैशन में होते हो. छोटे बच्चों के साथ यू आर जस्ट लव. छोटे पप्पीज लोग कुत्ते बिल्ली पालते हैं, पालते हैं ना, कुत्ते बिल्ली क्यों पालते हैं, ताकि उनकी इमोशनल जो है एनर्जी बढ़ जाए, क्योंकि वहां पे यू फील गुड, यू फील हैप्पी, यू फील लव्ड. आपको लव का इमोशन आता है बच्चे के लिए, जानवर के लिए, क्योंकि वो कितना प्यारा, क्यूट है, ये है, वो है. तो आपके अंदर स्वाभाविक जो प्रेम से आप भरे हो वो बहता है. और प्रेम ही भगवान है, जीसस क्राइस्ट ने कहा था लव इज गॉड. तो लव इज गॉड एक्चुअली. जब आप प्रेम में होते हैं तो वो एक वाइब्रेशन है, वो हाईएस्ट वाइब्रेशन है. तो अब हम मूव ऑन करेंगे, ठीक है. अब हमें फॉरगिवनेस का एक मेडिटेशन करना है, तो आप लोग आंख बंद करेंगे, अब हम बात नहीं करेंगे. तो एंड उन लोगों को फॉरगिव करेंगे जिनसे, सबके पास है ना, जिन लोगों से आप एंगरी हैं, खुद के लिए भी. तो हम आंखें बंद करके वो करेंगे. तो दो तीन गहरी सांसें लेंगे और रिलैक्स करेंगे. रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स. तो आप अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और रिलैक्स करें. दो तीन गहरी सांसें लें और रिलैक्स करें. हर आने वाली सांस आपको एनर्जाइज कर रही है और जाने वाली सांस रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स कर रही है. आपका मन शांत हो रहा है, आपका मन शांत होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है. हर सांस के साथ गहरी रिलैक्सेशन और शांति ही शांति. आपका शरीर और मन रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है. जैसे जैसे आप मेरी आवाज़ सुनते जा रहे हैं, आप रिलैक्स करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं. शरीर और मन शांत हो गया है, आप गहरी शांति में चले गए हैं. इस गहरी रिलैक्सेशन में आपका मन पूरी तरह से शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया है. अब आप पूरी तरह से तैयार हैं टू लेट गो. आप सब कुछ, एंगर, रिजेंटमेंट, इरिटेशन को छोड़ने के लिए तैयार हैं. यू आर रेडी टू फॉरगिव. फॉरगिवनेस स्वयं के लिए होती है, क्षमा स्वयं के लिए है. तो फील करें, विजुलाइज करें जो भी आपके मन में है, जिससे भी आप नाराज हैं या गुस्सा हैं, उसको अपने सामने विजुलाइज करें, महसूस करें कि वो आपके सामने बैठा है आराम से, शांति से, और आपको सुन रहा है. और आप उससे अपने मन का, जिस चीज़ से आप हर्ट हैं, जिस चीज़ से आपने तकलीफ में हैं, जिस चीज़ से उसने हर्ट करा आपको, आप उसे बता रहे हैं और वो आपको पूरी तरह से सुन रहा है. वो इस समय बिल्कुल सुनने के मोड में है, मन में है,
और आप उसे पूरी तरह से अपने मन का गुस्सा, इरिटेशन, एंगर सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि किस बात से आप हर्ट हैं, किस बात से आप तकलीफ में हैं, और वो आपको आराम से सुन रहा है। आपने अपनी पूरी व्यथा, पूरा कहानी, पूरा एंगर उसे सुना दिया है, बता दिया है, और वो बड़े प्यार से कंपैशनेटली आपको सुन रहा है। वो इस समय बिल्कुल लविंग कंपैशनेट मोड में है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम और क्षमा और कंपैशन ही चाहता है। वो व्यक्ति भी आपसे प्रेम और कंपैशन ही चाहता है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब वो आपसे जो चाहता है वो कह रहा है, अपने मन की व्यथा वो आपसे सुना रहा है। वो व्यक्ति आपको अपनी व्यथा सुना रहा है, अपना क्रोध, अपना एंगर, अपनी इरिटेशन, अपनी रिजेंटमेंट आपको सुना रहा है, बता रहा है, और आप भी उसे प्रेम से, कंपैशन से सुन रहे हो, क्योंकि इस समय रिसेप्टिव मोड में हो और आप लव कंपैशन से उसकी बातें सुन रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू आप पूरी तरह से समझ रहे हो। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, धीरे धीरे रिलैक्स करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। आपका मन शांत होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता ही जा रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को पूरा खाली कर दिया है और दूसरे बंदे ने भी अपने आप को पूरी तरह से खाली कर दिया है। आंखें बंद ही रखें और अपने आप को म्यूट पे रखें। जैसे जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हो, आप शांति और रिलैक्सेशन अनुभव कर रहे हो। आपका पूरा शरीर रिलैक्स्ड है, आपका मन शांत है, आप पूरी तरह से रिलैक्स और शांत हैं। शांति ही शांति, रिलैक्सेशन ही रिलैक्सेशन। अब आप बहुत हल्का फील कर रहे हो। अब फील करो, महसूस करो कि आप उसको एक हग कर रहे हो। जिस व्यक्ति से आप क्रोधित हो उसको एक वार्म हग दे रहे हो। विजुलाइज करो, फील करो, गिव अ वार्म हग। एक उसको बहुत ही प्यार की झप्पी उसको देना है, अपने प्रेम को। अब वो व्यक्ति बहुत अच्छा फील कर रहा है। आप अपनी सारी एंगर और रिजेंटमेंट छोड़ के उसे प्रेम दे रहे हो। Give this love and positive energy, और आप हल्के हो गए हो, शांत हो गए हो। अब दो तीन गहरी सांसें लो। मैं एक से पांच गिनूंगी, पांच की गिनती पर आप धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। एक, बाहर आते हुए feeling relaxed, feeling good, अच्छा महसूस करते हुए, प्रेम से भरा हुआ फील करते हुए, हल्का फील करते हुए। आप बहुत हल्का फील कर रहे हैं, आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बाहर आते हुए तीन, बाहर आते हुए चार और पांच, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। हाथों को रब करके इसकी एनर्जी को आप लगा सकते हैं।